Hello, welcome to Arvind Singh again. We are discussing motion and this is video lecture number 10. And I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching this part 10. And in this chapter also, in this lecture also, we will discuss some numerical in from the exercise. And first numerical has been already discussed. And now second numerical is there. And what is this and what we can do for it? Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 50 seconds, and then he turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. Right? What is the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि स्टार्ट कहाँ से किया, कहाँ तक गया। यहां से स्टार्ट किया जोसेफ ने और गए यहां पर 300 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये 300 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड टू बी, और बी पे गए। फिर जोसेफ भाई ने क्या किया कि 2 मिनट 50 सेकंड लगाया था। ठीक है, 2 मिनट 50 सेकंड्स एंड रिटर्न ये लगा है 2 मिनट 50 सेकेंड्स। इतना देर लगा है जोजफ भाई को। ठीक है, एंड टर्न अराउंड एंड जॉक्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन 1 मिनट। और यहां से जोजफ भाई फिर वापस आ गए कितना, 100 मीटर। ये 100 मीटर और वापस आ गए और 1 मिनट टाइम लगा दिया, 1 मिनट टाइम लगा दिया और पहुंच गए सी पे। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द जोजफ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। तो आप देखो यहां पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इन्होंने। डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है जोजफ भाई ने 300 मीटर, तो ए से बी तक आया, ए बी प्लस फिर बी सी 300 प्लस 100 मीटर यानी 400 मीटर इन्होंने ट्रेवल किया है। और टाइम कितना लगाया है, टाइम लगाया है इन्होंने टोटल टाइम 2 मिनट 50 सेकेंड्स। 2 मिनट 50 सेकेंड्स प्लस 1 मिनट, है ना। 2 मिनट 50 सेकेंड कितना हो गया, 2 × 60 + 50 प्लस 1 मिनट का 60, और तो ये हो गया 120 + 50 170, 180 + 50 230 सेकेंड्स। 230 सेकेंड्स ये हो गया टोटल, है ना। 120 + 50 = 170, 170 और 60 230 सेकेंड। अब ये एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 400 एंड टोटल टाइम टेकन इज दिस, सो 40/23 m/s। ये आ गया उनका एवरेज स्पीड। तो पहले क्वेश्चन का व्हाट इज द जोजफ एवरेज स्पीड दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। अगर इंटायर जर्नी का हमें निकालना हो तो ये आ जाएगा, लेकिन पूछा जा रहा है, हमने ही गलती कर दी, पूछा जा रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों बतानी है ए से बी तक जाने में और ए से सी तक आने में। तो ए से बी तक अगर जाने में पूछा जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 300। 300 क्या है, तो यहाँ ए से बी तक एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी तो ये हो गया 300 मीटर और टाइम कितना लगा है 170 सेकेंड्स। तो ये 0 से 0 कट गया, 30/17 m/s। ये हो गया वेलोसिटी भी और यही हो गया स्पीड। एवरेज वेलोसिटी भी सेम हो गया, स्पीड भी सेम हो गया ए टू बी और ए टू सी। अब ए टू सी का जो पूछ रहे हैं वो ये हो गया था, हमारा पहले जो लिखा था वो हो गया था स्पीड, एवरेज स्पीड ए टू सी
ये हो गया टोटल डिस्टेंस कितना हो गया था 400 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा था 230, ये जीरो से जीरो कट गया, 40/23 मीटर पर सेकेंड। और ए से सी तक एवरेज वेलोसिटी पूछे तो ये कितना डिस्टेंस रह गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही 200 मीटर रह गया। तो अब एवरेज वेलोसिटी पूछे, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू सी, तो ये हो जाएगा 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कितना 230 टोटल टाइम लगा है, तो 20/223 मीटर पर सेकेंड ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। ए से बी के केस में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है, जबकि ए से सी के केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 200 मीटर है और डिस्टेंस जो है वो कितना है, 300 और 100 400 मीटर है, 300 मीटर जाने का और 100 मीटर फिर वापस आने का, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया 400, तो 400 मीटर है, टाइम भी लग गया है 230 सेकेंड, जबकि डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम तो 230 लगा लेकिन डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट कितना रह गया 200 मीटर, इसलिए हमने 200 मीटर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, ध्यान से देखिए। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed of his trip to 20 km per hour. On return trip along the same route, there is less traffic and average speed of 40 km per hour. What is the average speed of Abdul trip? Average speed. ठीक है ना? Average speed इसका कितना होगा? तो यहाँ distance तो दिया नहीं है, है ना? और ये velocity भी नहीं है. Velocity होती तो initial और final divided by 2. अब यहां मान लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, क्वेश्चन भी बताते हैं। इसमें क्या है कि लिखा है कि ड्राइविंग टू स्कूल लेट डिस्टेंस बी एक्स मीटर, ठीक है, चाहे एक्स किलोमीटर मान लो कोई दिक्कत नहीं। तो टाइम टेकन इन फॉरवर्ड जर्नी, टाइम टेकन इन फॉरवर्ड जर्नी T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन है x और स्पीड है 20, तो इतना आवर लग गया। ठीक है, अच्छा, टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी में अब्दुल भाई साहब को डिस्टेंस तो उतनी ही तब कवर करनी पड़ी, लेकिन 40 किलोमीटर पर आवर की रिटर्निंग में स्पीड थी, तो x by 40 आवर लग गया, है ना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर जाने में और x किलोमीटर आने में, यानी 2x किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है, तो t1 plus t2, टोटल टाइम लग गया है t1 plus t2, और t1 टाइम जाने में t2 टाइम आने में, मतलब x/20 + x/40, एलसीएम हो गया 40, ये 2x + x 3x/40, ये हो गया टोटल टाइम, इतना आवर हो गया, है ना। और एवरेज स्पीड का डेफिनेशन आपने सीखा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है 2x किलोमीटर, टोटल टाइम है 3x/40, एक्स एक्स कट गया, 40 ऊपर चला जाएगा, 2 × 40 = 80 अपॉन 3 km/h, ये आंसर आ गया। या इसको लिख सकते हैं 26.666 यानी 67 km/h अप्रोक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने वादा किया था कि एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो शॉर्टकट होता है कि अगर x स्पीड से गए और y स्पीड से आए
एवरेज स्पीड होती है 2xy/x+y किलोमीटर पर आवर। एक्स से गए इक्वल डिस्टेंस और वाई से आए, तो गए किससे 20 से, आए किससे 40 से, तो यहाँ 20 40 कितना हो गया 60, 20 यहाँ 60, ये 40 तो नहीं 80/3 सेम आ गया, 80/3 देखो 26.67 किलोमीटर पर, ठीक है ऐसा। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन ये स्कूल में नहीं कर सकते, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बताया जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल था, इसका ये जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन विद कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ है? एक्सलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब यू जो है वो जीरो है, ये समझ में आ रही बात, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब यू जो है वो जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो यू जो है वो जीरो, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, टाइम दिया हुआ है 8 सेकंड, 8.0 सेकंड मतलब 8 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, यानी डिस्टेंस आपको निकालना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दोगे। यू जीरो है, टी 8 है, प्लस हाफ इंटू ए है 3 और टी है 8, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से दो बार लिख देंगे, ये 4 से कट गया, ये 0 हो गया और ये 8 4 3 12 12 8 96, 0 + 96 = 96 मीटर। तो ये बड़ा ही आसान सा सवाल था, 96 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बोट, ठीक है ना, कितनी देर में? तो ये 8 सेकंड में, 8 सेकंड में 96 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। एक मिनट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखिए लिखा है, ए कार ड्राइवर, ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग विथ एट 52 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहले से वो चल रहा है 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड ब्रेक एंड अप्लाई द ब्रेक्स एंड एक्सलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये हो गया। Another driver going at 3 km per hour in another car apply his brakes slowly and stop in 10 seconds. दूसरा कार वाला जो है उसकी इनिशियल स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड U1 है, इसकी इनिशियल स्पीड U2 है, वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और उसने ब्रेक अप्लाई किया और उसकी कार जो है वो 10 सेकंड में रुकती है, ठीक है ना। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक वेयर अप्लाइड, तो आपको कौन ज्यादा दूर ट्रेवल किया ये बात बतानी है, ठीक है। और ये जा करके रुक जा रहा है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका भी जीरो है, V1 भी जीरो है और इसका भी जीरो है, और S1 इसका बताना है, S2 इसका बताना है कितना दूर जाएगा। तो वैसे तो आप ग्राफ से बता सकते हैं कि डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे होता है, ये देखिए पहले का हम बना देते हैं कि ये ग्राफ में, और ये टाइम कितना है 10 सेकंड तक है, तो टाइम 10 सेकंड हमें लेना पड़ेगा, यानी थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको 10 सेकंड तक, और स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर, ये भी थोड़ा सा है, इसमें एक ही ग्राफ में बनाना है, दो ग्राफ ये देखिए। देखो ये कार जो है 3 के स्पीड से, इनिशियल स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर था और ये 10 सेकंड में जाकर के रुका है, यहां से यहां तक 10 सेकंड, ये हमने मान लिया 10 सेकंड में रुका। और दूसरी जो कार है वो कितना देर में रुका जी,
ये 10 सेकंड में रुक गया यहाँ पे आके, ये है 10 सेकंड, यहां से यहां तक 10 सेकंड। दूसरी कार जो है वो 52 के स्पीड से चल रहा था और ये कार 5 सेकंड में ही रुक गया है, इसके आधे टाइम में रुक गया। ठीक है, तो यहां तक 5 सेकंड में ही रुक गया है। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है ना। तो पहली कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये इसके ग्राफ से पता चल जाएगा, पहली कार का कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये इसका एरिया जो है वो इसका क्या देगा, इसका डिस्टेंस ट्रेवल देगा। तो इसके डिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, S1। सो S1 इज इक्वल टू एरिया इंक्लोज्ड बाई ओ ए बी, ये बी पॉइंट मान लें यहाँ पे, तो ओ ए बी एरिया इंक्लोज्ड बाई कर्व दैट इज ट्रेंगल ए ओ बी विच इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 52। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड है तो किलोमीटर में आ जाएगा, ये सेकेंड में, और ये किलोमीटर पर आवर में है इसलिए 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया 2 से ये कैंसिल हो गया 26 टाइम्स, और ये कैंसिल हो गया 9 से, और ये हो गया 13 से। 25 × 13 इज 325/9, दैट इज 9, 9 × 3 = 27, 5, और 9 × 6 = 27, 9 × 6 = 54, 1 फिर 1 फिर 1, ऐसे आता रहेगा, इतना मीटर अप्रोक्स। और S2 क्या होगा, तो S2 होगा एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस कर्व, ये कर्व जो है ये जितना है इसका एरिया। तो S2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय S2, S2 होगा एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ ट्रेंगल कौन सा, ये OCD, OCD, OCD दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है 10, और टाइम कितना है 3 × ये हाइट 3 किलोमीटर है, उसको भी मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, है ना। तो ये हो गया 5 × 5 = 25 अपॉन 3 × 2 = 6, यानी 6 × 4 = 24, और ये हो गया 6 × 4 = 24, एक बच गया, तो 10 में 6 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, तो 6 मीटर अप्रोक्स। तो ये जो पहला जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, और दूसरा जो है वो कम ट्रेवल करेगा, इसकी स्पीड बहुत कम है तो धीरे धीरे चाहे 10 सेकंड या ज्यादा ही चले तब भी ये कम ट्रेवल करेगा। तो क्लियरली कह सकते हैं कि S1 इज 36 पॉइंट कितना है 36.11 किलोमीटर मीटर, और S2 जो है वो आया है 4.16 मीटर। सो S1 इज ग्रेटर देन S2, किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो S1 ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये लिखा है सोच द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ABC, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, इस ग्राफ को ABC देखो, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो होता है क्या स्पीड, तो इसका स्लोप सबसे ज्यादा है तो ये स्लोप किसका है बी का, तो ऑफ कोर्स आंसर इज स्लोप ऑफ बी इज हेयर, स्लोप ऑफ बी बी इज ग्रेटर देन किसका, स्लोप ऑफ ये कौन सा है सी, स्लोप ऑफ सी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, इसका मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, तो कौन फास्टेस्ट है, तो आंसर हो गया बी। दूसरा सवाल है आर थ्री एवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या किसी कोई तीनों एक साथ सेम पॉइंट पर थे, नहीं, ये दो तो एक साथ थे यहाँ पे इसी टाइम पे थे, ये दोनों भी एक साथ कभी थे और ये दोनों भी एक साथ कभी ना कभी थे, लेकिन तीनों एक साथ कभी नहीं थे, तो नेवर, नेवर ऑल थ्री एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ये बात हो गई।
उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ फार सी ट्रेवल व्हेन बी पासेज ए। बी जब ए को पास कर रहा था तो सी कितनी दूर ट्रेवल किया था। तो बी जब ए को पास कर रहा था, ध्यान से देखें, बी ए को पास कर रहा था, बी और ए यहां पे मिल रहे हैं, तो बी और ए यहां पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे यहां पे जब बी और ए मिल रहे हैं, ये बी है, ये ए नहीं, बी और ए यहां पे मिल रहे हैं, ए ये है, बी और ए यहां पे मिल रहे हैं, तब तक सी कितना दूर ट्रेवल किया था। तो ये सी है, सी कितना दूर ट्रेवल किया था, तो 8 मीटर ट्रेवल किया था। तो बी और ए जब मिल रहे थे, यानी इस टाइम में सी जो है वो 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो आंसर हो गया कितना, 8 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस लिखा हुआ। अगला लिखा है हाउ फार बी ट्रेवल्ड व्हेन बाय टाइम इट्स पासेज सी। बी कितनी दूरी ट्रेवल कर लिया था जब वो सी को पास किया था। तो सी ये है ना, और बी ये है। तो बी जब यहाँ पे इसको पास किया था, ट्रेवल कर लिया था कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है लगभग 6 मीटर, 6 मीटर ट्रेवल कर लिया था जब सी को पास किया, तब बी 6 मीटर ट्रेवल कर लिया था। ये डिस्टेंस उनके बीच का है, हम क्या लिख देंगे, 6 मीटर। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7। ए बॉल इज जनरली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, द वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एच दिया हुआ है 20 मीटर और जी दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट वेलोसिटी विच स्ट्राइक द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी बताना है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। क्यों, ड्रॉप किया गया है, कोई स्पीड नहीं दी गई है। आफ्टर टाइम द स्ट्राइक, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम भी बताना है। तो आपको दो चीजें बतानी है इसमें, h इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो आप इसमें से t पता कर सकते हैं, तो h क्या है 20, u क्या है 0, तो t से 0 होकर 0 हो गया 1/2, g क्या है 10, ये हो गया 5, और इंटू t स्क्वायर, तो ये हो गया कितना बताएं, ये हो गया 5, उधर जाके 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5 4 20, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t हो गया 2 सेकेंड, तो t निकल के आ गया कितना, 2 सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या निकालना था, v, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस gt होगा, और u है हमारा 0, और g कितना है 10, और t कितना आया है 2, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और 2 सेकेंड बाद ये गिर जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर निकला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें लिखा है स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है, हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड, सेट द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार ड्यूरिंग द 4। तो ये जो है 4 सेकेंड में, ये 4 सेकेंड का लाइन है ना, तो आप इसको सेट कर दें, ये लाइन खींच देता हूँ सीधा सीधा, यहां से ये 4 सेकेंड का डिस्टेंस है। ठीक है, सो दैट विल कम लाइक, ये हो गया 4 सेकेंड का, और एरिया जहां तक बात है तो ये एरिया हो गया इसका। ठीक है, ये सेट कर दिया, हो गया, ये एरिया जो होगा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, कार का यूनिफॉर्म मोशन कौन से पार्ट ट्रेवल कर रहा है, यहां से देखिए, यहाँ पे लगभग 5 से 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद से यहाँ से ये स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, स्पीड बदल नहीं रहा है, स्पीड जो है वो कितनी है जो भी है, बट यहाँ से 6 सेकेंड से 10 सेकेंड तक, तो ये जो पार्ट हुआ ये यूनिफॉर्म स्पीड को, यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि स्लोप 0 है, और स्लोप 0 है स्पीड टाइम ग्राफ में, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है मतलब स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ड्यूरिंग क्या आंसर होगा, ड्यूरिंग 6 टू
टेन तक तो गया भी नहीं है, आफ्टर 6 सेकेंड ये कहेंगे कि आफ्टर 6 सेकेंड द स्पीड इज यूनिफॉर्म, द स्पीड इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सलेशन बट जीरो वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, बट वेलोसिटी जीरो है। तो ये है कि एक ऑब्जेक्ट का कॉन्स्टेंट एक्सलेशन बट जीरो वेलोसिटी, ये हो सकता है, ऐसा कई केसेज में हो सकते हैं, एक ही केस नहीं है। मान लो कि एक बॉडी को आपने ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर फेंक दिया तो यहां पर जाकर के इसका एक्सलेशन कितना लग रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जाने पे जी लग रहा है इसमें, और जी क्या होता जा रहा है, निगेटिव होता जा रहा है, जी नीचे की ओर लगता है। यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो गया, तब वेलोसिटी जीरो हो गया, और वेलोसिटी जीरो हो गया तब भी एक्सलेशन तो लग ही रहा है ना, एक्सलेशन लग रहा है इसमें, और इसलिए पॉसिबल है यहाँ पे एक्सलेशन तब भी काम कर रहा है जब वेलोसिटी जीरो है। या कोई पेंडुलम टाइप का चीज हो, तो ये देखो कि यहाँ पे आकर के ये पेंडुलम ऐसे, ये कोई रिजिड सपोर्ट है और ये पेंडुलम है, ऐसे मूव करता है ना यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो, बट एक्सलेशन फिर भी इस डायरेक्शन में काम करता है जिसकी वजह से ये वापस यहाँ आता है। इस पॉइंट पे भी आके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बट एक्सलेशन फिर भी काम करता रहता है जिसकी वजह से फिर वापस इधर आता है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकते हैं कई सारी चीज में, या हम बॉडी को किसी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप कर रहे हैं तो जब ड्रॉप आप कर रहे हैं एकदम यहां से डाला आपने नीचे की ओर, तो ऐसी स्थिति में आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, बट एक्सलेशन तो जी नीचे की ओर लग रहा है ना, तभी तो यह काम कर रहा है, तो ऐसा हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ सर्टेन डायरेक्शन विथ एक्सलेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हाँ एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर, ये सब एग्जांपल इसमें काम आएंगे, है ना, एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, और किसी और डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव कर सकता है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 10 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये लिखा हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस क्या होगा इसका, सर्कमफ्रेंस, और टाइम क्या है, 24 आवर्स, सर्कमफ्रेंस होगा 2πr और ये टाइम क्या है, 24 आवर्स। आवर्स को हम किसमें, किलोमीटर पर आवर में भी स्पीड निकाल सकते हैं, तो ये किलोमीटर है, तो 2 × π का मतलब 22/7, r का मतलब 42250, और रेडियस दिया हुआ है, और नीचे कितना है, 24 आवर, तो ये है किलोमीटर। अब ये 7 से कैंसिल होगा क्या, कैंसिल करके देखते हैं, ये 2 से ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 11 और ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये लगभग लगभग 7 6 42, है ना, 6, और फिर 2 में डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ गया, 7 3 21, 4 आ जाएगा, 7 6 अप्रोक्स 6 टाइम्स होगा लगभग, है ना, चलो तो इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, फिर 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1005.95 किलोमीटर पर आवर, यानी 1005 पॉइंट ये लिख सकते हैं, इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा अर्थ रोटेट करता रहता है लगभग, ये अगर मान लिया जाए जो भी होगा, प्लेनेट अर्थ का नहीं है ये, रेडियस तो किसी और का है, अर्थ का रेडियस तो 6400 किलोमीटर ही होता है, ये जुपिटर वगैरह होगा लेकिन उसकी तो अर्थ रिवॉल्वल 24 आवर नहीं होता, कुछ और होता है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, तो जिसका भी दिया होगा बट ये आंसर होगा, और ये हम कह सकते हैं किसका रिवॉल्व करेगा या जो भी है वो स्पीड है, सर्कुलर स्पीड। एनीवे, सो आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा ये चैप्टर, और आप इसको खूब मजे से एंजॉय करें और खूब अच्छा से इसको कर लें। ये सर्कुलर ऑर्बिट था इसका, और इसका रेडियस जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ था ये हमारा 42250 किलोमीटर, ये सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस 2πr होता है, और 24 आवर में रोटेट हो रहा था, ये किलोमीटर और ये आवर में, इसलिए आंसर हो गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये सारे न्यूमेरिकल हो गए, आप अच्छी तरह से इसको कर लीजिए और करने के बाद इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।